पठान का नाती बाबा पीर मैमन दा तू कैसो आयो हाम हाम करतो आयो थाम थाम करतो आयो सुवा सांगला सोईसी आयो लुआ को सावन तो आयो धर्ज गोला फाड़न तो आयो धरती अगास फेरन तो बाबा पीर मैमंदा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बड़बड़ कर रहा हूँ। दरअसल यह उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो इन दिनों पहाड़ों में हिंदू मुसलमान करके नफरत फैला रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि पहाड़ों में मजार जिहाद चलाया जा रहा है। ऊपर मैंने जो पंक्तियां सुनाई उन्हें पहाड़ों में आण कहा जाता है। यह आण मैमंदा पीर की है। मैमंदा पीर एक मुस्लिम संत था और उत्तराखंड के सर्वाधिक पूजित लोक देवता नारसिंह परिवार के तमाम देवताओं के साथ ही मैमंदा पीर की पूजा की जाती है। इस वीडियो में हम मैमंदा पीर जैसे पूजित देवताओं के बारे में जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि पहाड़ के जंगलों में बनी मजारों का सच क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे वीडियो अंत तक देखने का अनुरोध है। लाइक करने के साथ ही संभव हो तो कमेंट भी करें। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपसे आर्थिक सहयोग की गुजारिश है। यदि आप समर्थ हैं और इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बार कोड को स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे कर सकते हैं। एक बार फिर कह रहा हूँ, यदि आप समर्थ हैं और देने के इच्छुक हैं तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार के नहीं सरोकारों की बात बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। पिछले वीडियो में मैंने देहरादून के एक डॉक्टर की वीडियो क्लिप दिखाई थी। वे झूठ बोल रहे थे कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में मस्जिदें बन गई हैं। एक लड़के के वीडियो का लिंक किसी ने मेरे पास भेजा, वह लड़का भी इसी तरह की बकवास कर रहा है। दरअसल इन दोनों को उत्तराखंड की परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों का मकसद सिर्फ नफरत फैलाना है। मैमंदा पीर की कहानी और मजारों की असलियत जानने से पहले जरा ये लोकगीत सुनिए। आकाशवाणी के पहाड़ी लोकगीतों के कार्यक्रम में बजता था स्वर्गीय केशव अनुरागी की आवाज में। पठानों और मुगलों को सलाम वालेकुम भेजा जा रहा है, ऐसा ही एक मुखड़ा और सुनिए। इस गीत में दिल्ली दरबार को सलाम वालेकुम भेजा जा रहा है। ये है उत्तराखंड की मिलीजुली संस्कृति। पहाड़ के लोक गीतों और लोक देवताओं के जागरों में सैद वाली विधा खूब प्रचलित रही है। मैमंदा पीर को नारसिंह परिवार में प्रतिष्ठित जगह मिलना इसी परंपरा और इसी संस्कृति का उदाहरण है। कौन थे मैमंदा पीर? प्रोफेसर डीडी शर्मा की एक प्रमाणित पुस्तक है उत्तराखंड ज्ञानकोश। इसी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 565 पर मैमंदा पीर के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है, वे एक नागपंथी मुस्लिम सिद्ध फकीर हैं। गढ़वाल मंडल में झाड़े ताड़े यानी कि तंत्र मंत्र में इनकी बड़ी मान्यता है। ऐतिहासिक स्तर पर जोशी मठ से प्राप्त नागपंथी ग्रंथ गुरु पादुका जो एक पांडुलिपि में है, इसमें गढ़वाल की दक्षिण सीमा पर गंग तट पर पीर पैगंबरों वाली तुर्कों की सेना के साथ हुए राजा धामदेव के घमासान युद्ध के संदर्भ में मैमंदा पीर का उल्लेख किया गया है। इसी पुस्तक में लिखा है, डॉक्टर मदन चंद भट्ट कत्यूरी मानसरोवर अक्टूबर दिसंबर 2001-46 के अनुसार यह युद्ध संभवतः 1398 में पिरान कलियर में तैमूर लंग की सेना के साथ हुआ था। इसमें तैमूर लंग की सेना के कई सैनिक गिरफ्तार हुए थे। समझा जाता है कि इन्हीं में मैमंदा पीर और कालू सैयद भी शामिल थे जिन्होंने बाद में नागपंथ की दीक्षा ली और पहाड़ के लोक देवताओं में स्थान प्राप्त किया। ये उदाहरण बताते हैं कि पहाड़ की संस्कृति हिंदू मुस्लिम सौहार्द की संस्कृति रही है। देहरादून का डॉक्टर और यूट्यूब वाला वह लड़का जो कह रहे हैं वह सिर्फ बकवास है। इन दोनों को उत्तराखंड के पहाड़ों की संस्कृति और परंपराओं का से कोई लेना देना नहीं है।
साफ लगता है कि ये लोग सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा प्रोजेक्ट किए गए लोग हैं, वरना इस तरह की बेहोदा बातें कहने के बाद इन पर मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था। चलिए अब मजारों की बात कर लें। मजार जिहाद शब्द इन दिनों पहाड़ों में खूब सुनाई दे रहा है। पहाड़ में बड़ी संख्या में वन भूमि पर मजार बनाने की बातें सामने आ रही हैं। हाल के दिनों में ऐसी मजारों पर बुलडोजर भी चलाए गए। वन विभाग के सर्वे का कहना है कि विभाग की जमीन पर अवैध रूप से 10 मजारें और 300 से ज्यादा मंदिर बने हैं। हल्ला केवल मजारों का ही है। यदि वन विभाग के सर्वे को अलग रखें और मान लें कि सैकड़ों की संख्या में मजारें बनी हैं, तो भी सवाल ये उठता है कि ये बनाई किसने, इन्हें बनाने वाला कोई आज तक सामने क्यों नहीं आया। जरा ये वीडियो देखिए, फेसबुक पर मिला है 2020 में अपलोड किया हुआ। हमारे स्थानीय विधायक माननीय श्री भरत सिंह चौधरी जी हैं, उनसे मेरा सीधा सीधा सवाल है कि जो हमारा स्थानीय बाजार मयाली है, उसमें आपके ही कार्यकर्ताओं द्वारा जब मजार का निर्माण करवाया गया, मजार बनवाई गई, उस मजार पर भी उस टाइम आपके ही कार्यकर्ताओं द्वारा या कुछ लोगों द्वारा बवाल काटा गया, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चलता है, भाजपा के लोगों को ये पता चलता है कि इस मजार का निर्माण किसी और ने नहीं बल्कि विधायक जी के खासम खास आदमी ने, जिन्होंने विधायक निधि का वारा न्यारा किया है, उनके द्वारा ही इस मजार का निर्माण करवाया गया, तो विधायक जी चुप हो गए, भाजपा के कार्यकर्ता चुप हो गए। इस वीडियो में रुद्रप्रयाग जिले में मयाली के पास बनी एक मजार की बात हो रही है। मजार किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि एक स्थानीय व्यक्ति ने बनाई है। जाहिर है वह हिंदू है। वह व्यक्ति अब बीजेपी में है और बताया जाता है कि वह रुद्रप्रयाग विधायक का खासम खास है। इस मजार को लेकर फेसबुक पर यह पोस्ट देखिए, लश्कर ए मीडिया पेज है, 12 अक्टूबर 2020 की पोस्ट है। लिखा है, मयाली के पास मजार का निर्माण हुआ है, लोकल लोग सो रहे हैं क्या, उत्तराखंड के हर एक ग्रुप को पहुंचाओ। अब ये तस्वीर देखिए, फेसबुक पर आज भी मौजूद है। पहली फोटो में बाजार दिख रही है, दूसरी तोड़ने के बाद की है। तस्वीर पर लिखा नाम ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए कि हिंदू द्वारा बनवाई गई इस मजार को मुसलमानों के खिलाफ हथियार बनाया गया और किसने बनाया। मजार तोड़े जाने के बाद भी उसने शेयर लेने का पूरा प्रयास किया। अब सवाल यह उठता है कि हिंदू होने और भाजपाई हिंदू होने के बावजूद इस व्यक्ति ने मजार क्यों बनवाई। इसके लिए एक बार फिर से पहाड़ की मान्यताओं को समझने की जरूरत है। पहाड़ में मान्यता है कि कभी कभी इंसान पर किसी मृत व्यक्ति की आत्मा हमला कर देती है, संबंधित व्यक्ति को परेशानी होने लगती है, तो वह तंत्र मंत्र के जानकारों के पास जाता है। जानकार बताते हैं कि उसे भूत लगा है या सैद लगा है, यानी कि हिंदू की आत्मा हुई तो भूत और मुसलमान की हुई तो सैद। भूत लगने पर सड़कों के किनारे छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं, जो आपने अक्सर पहाड़ों में देखे होंगे, और सैद लगने की स्थिति में मजार बनाई जाती है। एक बात और, मजारों पर मुसलमान से ज्यादा विश्वास हिंदू लोग करते हैं। मजारों पर मन्नत मांगने वालों में ज्यादातर हिंदू ही होते हैं। एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि औरंगजेब ने मंदिरों के साथ ही बड़ी संख्या में मजारें भी तुड़वाई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा, आभार। पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करने के साथ ही दूसरों को भी भेजें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।